एक्सक्यूज मी जी, मिस्टर दर्शन आप ही हैं? जी हाँ, व्हाट्स इट? हेलो हेलो, आई एम इंस्पेक्टर पवार। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने। मुझसे? जी। किस बारे में? 17 तारीख को आप कहाँ थे? 17? आई वाज ट्रैवलिंग ऑन माय रेगुलर बिजनेस टूर। एक बात बताइए, जब आप शहर में नहीं होते तो आपकी गाड़ी कौन चलाता है? मेरी गाड़ी कोई नहीं चलाता, मेरी वाइफ की अपनी गाड़ी है और बच्चे छोटे हैं। आर यू श्योर कि आपकी गाड़ी घर पर ही थी? कोई बोरो करके नहीं ले गया था? I mean, कोई दोस्त या कोई? जी नहीं, इट वॉज इन द गैराज। मगर बात क्या है? वेल, एक कत्ल के बारे में इंक्वायरी करनी। क्या कत्ल? यस, योर कार हैज बीन पॉसिबली यूज्ड इन अ मर्डर। क्या बता सकते हैं कि उस दिन आपकी गाड़ी किस गैरेज में थी? वेस्टर्न ऑटो गैरेज। वेस्टर्न ऑटो गैरेज। सलाम साहब। बालू साहब इधर कैसा? बालू किधर है? बालू उधर है साहब। क्या हुआ था? बाहर निकल। कोई लफड़ा हो गया क्या? लफड़ा हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा। अगर तूने ये नहीं बताया कि 17 तारीख को तू दर्शन साहब का गाड़ी किधर लेकर गया था। दर्शन साहब? वो कौन साहब? ये निशाने साहब, तेरे को समझाओ तेरे को। गायकवाड़ गला मर्डर केस में अंदर ले। अरे साहब एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, एक मिनट। अरे साहब, अपन काय को बेकार में फंसा लेना साहब। अपन किसी का मर्डर नहीं किया साहब, ना ही किसी को गाड़ी चलाई होती है साहब। वो दर्शन साहब की गाड़ी वो अभी याद आया साहब, वो उस दिन वाला आया था साहब। अपन को गाड़ी चलाई दिया, मगर साहब अपन को क्या मालूम था साहब कि वो छोक रहा लोग मेरा साहब। गलती हो गया साहब, मगर साहब अपन के इस चक्कर में मत फंसाओ साहब, अपन गरीब आदमी है साहब। अब आया लाइन पे? आया, चल बता बता वो लोग कौन थे, बता। बोलेगा साहब, मगर साहब अपन को मुसीबत मत डालना साहब। उस 17 तारीख की सुबह को I don't believe it. इस उम्र के लड़के नाराज हो सकते हैं, घर से भाग सकते हैं, छोटी मोटी चोरियां कर सकते हैं अपने खर्च पूरा करने के लिए, मगर खून? Yes, और वो भी cold blooded. इनफैक्ट जय ने यह भी बताया कि वो और उसके साथी रेस में लगभग 1.5 लाख रुपए हार चुके थे। 16 तारीख की रात वो गुंडे जिनसे इन्होंने पैसे उधार लिए थे इनकी गाड़ी उठा के ले गए, क्योंकि ये टाइम पर उन्हें पैसे दे नहीं पाए। ये अपने माँ बाप को ये तो बता नहीं सके कि गाड़ी कहाँ और कैसे चली गई। दे बिकेम डेस्परेट। इतने में इस ड्रामे के बीच आया राहुल, जिसके पास कनाडा जाने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं था बल्कि साथ में थी उसकी बदकिस्मती। और इन लड़कों को पैसा हासिल करने का सिर्फ एक ही जरिया दिखाई दिया, राहुल। God, this is shocking. I have got even more shocking news for you. क्या हुआ? पाले हिल में जो खून हुआ था एक ओल्ड लेडी का। हाँ, what? पुलिस तो कह रही थी it was simple case of robbery. हाँ, था तो वो केस रॉबरी का ही, मगर कातिल उस लेडी का अपना पोता था, her own grandson. What? Unbelievable, no? But true. वो एक ड्रग एडिक्ट था। अपने नशे के लिए पैसे ना मिलने की वजह से उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी दादी का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। God. अगर इसी उम्र के लड़कों ने किए हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मिसेस शाह के कत्ल में आई थिंक वी हैव अ पैटर्न समवेयर। आई थिंक यू आर राइट वरुण। इंस्पेक्टर ने कहा था कि मिसेस शाह के केस में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। मैंने उसके एक स्टूडेंट श्योनन से बात की,
And I think he definitely has a motive for her murder. Because Mrs. Shah ne sare class ke samne usse thappad mara tha. Lekin itni si baat ke liye wo apne teacher ka murder karega? Haan Rohit, this is a very vulnerable age. Is umar mein ladkon ke egos bahut bade hote hain. Aur aise mein kisi ke ego ko thes pahunchaya jaye, to satisfy his bruised ego, he can do anything. Right. Jab maine Shivanand se baat ki, he seemed too cool, too nice. मेरे पूछने से पहले मेरे हर सवाल का जवाब था उसके पास. He was just too prepared. I think you have a point. We must keep a watch on him and his activities. हाँ हेलो बॉबी, मैं एंडी बोल रहा हूँ. हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं. अरे वो रिपोर्टर मेरे घर पे आता है. हाँ अरे हम सीरियस है, तुम लोग को मजाक लग रहा है क्या? लीजिए अच्छा एक काम करना, वो बीच पे आ जाना. हाँ हम लोग वहीं मिलते हैं. हाँ बाय क्या? अरे नहीं यार मैं बोलता हूँ ना बीच पे आ जाऊँ. हाँ चल बाय. From now on, we must keep track of them all the time. You understand? What do you say, Rohit? I smell a rat. नहीं 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 अभी नहीं, अभी तो हमें सिर्फ इतना पता चला है कि ये एक ग्रुप है. इस ग्रुप का मिसेस शाह के मर्डर के साथ कोई कनेक्शन है कि नहीं ये पता नहीं चला है. Hi guys. Hi मनोज, मैं तुम्हारे पास आने वाला. Any luck? Not yet. अभी तो हमने सिर्फ इन पांचों को कुछ डिस्कस करते देखा है. हमें ये पता लगाना है कि खून की रात ये पांचों कहां थे और क्या कर रहे थे. चलो पता लगाते हैं कल टुमारो मॉर्निंग जब ये अपने अपने घरों में ना हो तो इनके घर वालों से बात की जा सकती है. That's right.
जी कहिए। मुझे मिस्टर हरबंस सिंह से मिलना है। जी वो तो शहर से बाहर गए हैं। और मिसेस सिंह? जी वो भी साथ ही गई है। आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर दे दीजिएगा, जब वो आएंगे तो उनको बता दूंगा। वो जो लड़की अभी गाड़ी में बैठकर गई है वो तो हमारी बॉबी बिटिया है साहब, बहुत तेज गाड़ी चलाती है, कहीं उसने आपकी गाड़ी को टक्कर तो नहीं मार दी? नहीं नहीं, मुझे कुछ और पूछना है। शाम को सब लोग साथ में थे और ऋषि के घर पर पिक्चर देख रहे थे। हाँ, और ऋषि के नौकर ने यह भी बताया कि फिर वो एक साथ घर से निकले और ऋषि अगले दिन सुबह घर लौटा। वन मिनट, इसका मतलब यही है कि सब लोग अपने अपने घर सुबह ही पहुंचे हैं। तो रात भर थे कहाँ? आई थिंक वी ऑन द राइट ट्रैक वरुण। लेकिन ये मिसेस शाह का इन लोगों ने खून किया है, वी नीड वन पर्सन्स टेस्टिमोनी। जो वो देंगे नहीं, व्हाट डू वी डू? हैंग ऑन, अगर मुझे ठीक से याद है तो मौका है वारदात पर एक स्कार्फ मिला। इफ दैट बिलोंग्स टू बॉबी, आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक वरुण। कॉल द पुलिस। अरे ये तो हमारी बॉबी बिटिया का है, आपके पास कहां से आया? किससे बात कर रहे हो काका? एक मिनट प्लीज। ओके, थैंक यू। अरे मनोज कहाँ हो भाई, उस दिन के बाद तो फिर मिले ही नहीं तुम। नहीं सर, वो क्या है कि शिवा से मिलना चाहते हो, है वो घर पे, जाओ मिल लो। सर पुलिस वाले शिवानंद से कुछ बात करना चाहते हैं। पुलिस? प्रोफेसर साहब, हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि आपके बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज में एक प्रोफेसर की हत्या की है। सिर्फ हत्या ही नहीं की, बड़ी बेदर्दी से मारा है उन्हें, और जो सबूत हम लोगों को मिले हैं वो सारे आपके बेटे के खिलाफ जाते हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू कि हमें उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। शिवा? नहीं तो था। शिवा? 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 शिवानंद? शिवानंद दरवाजा खोलो। शिवा? जी कितने बजे आओगे? आ जाऊंगा। आज भी सुबह 4 बजे तुम घर आए थे। बेटे अपनी लेट नाइट्स कम करो, डोंट मिस यूज द फ्रीडम यू हैव बीन गिवन। क्यों? व्हाई? व्हाई द हेल? क्यों होता है ऐसा? क्यों करते हैं नौजवान अपने आप पर और अपनों पे ये जुल्म?
अपने आप पर, यू मस्ट बी जोकिंग मनोज। इनफैक्ट इन्होंने अपने फायदे और स्वार्थ के लिए बड़ी ही निर्ममता और बेरहमी से ये कत्ल किए। बड़ा है वंडर, क्या खून करते वक्त उनके हाथ नहीं कांपे? क्या उन्होंने एक बार ये भी नहीं सोचा कि वो जो करने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा? एक बात बताओ, तुम क्या हर चीज उसका अंजाम सोचकर ही करते हो? नो यू डोंट। वैसे भी मसला ये नहीं कि जुर्म हुए, मसला ये है कि जुर्म क्यों हुए। ये बात सिर्फ शिवानंद, जय और बिट्टू तक ही सीमित नहीं है, लेकिन क्या कभी हमने ऐसा सोचा कि ये नौजवान जिन्हें अपने करियर्स के बारे में सोचना चाहिए, जिन्हें अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए, वो इस तरह क्यों बहक जाते हैं? Because they don't give a damn. वो इन सारे बंधनों को तोड़कर जीना चाहते हैं सिर्फ अपने लिए। They want to live only for themselves. ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं कि ये बच्चे गलत हैं। अब शिवानंद का ही केस उठा के देख लो, मैं मानता हूं उसने कॉपी करके गलती की, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा कॉपी करके पास हुआ होगा। दिस इज पॉसिबली द फर्स्ट टाइम ही हैज डन समथिंग लाइक दिस। मैं उस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन चांटा मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसके दोस्त जिन्होंने उसका साथ दिया, क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि उनका बैकग्राउंड क्या है? दे ऑल किड्स फ्रॉम रिच फैमिलीज, सब कुछ था उनके पास, बट देयर पेरेंट्स वर नॉट अवेलेबल ऑल्दो मनी वॉज। और वो शिवानंद जिसके पिता हमेशा एक आदर्श टीचर की तरह पेश आए, लेकिन कभी एक पिता या फ्रेंड की तरह नहीं। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई योर फादर कैन नॉट बी अ फ्रेंड टू हिज सन। कोई ये क्यों नहीं समझता है कि आज के नौजवानों में एक पेंट अप एनर्जी है जो अगर ठीक तरह से चैनलाइज नहीं हुई तो एक दिन ज्वालामुखी की तरह फट सकती है। टेक द केस ऑफ बिट्टू, उसके पेरेंट्स को देख लो, खुद तो रहते हैं अमेरिका लेकिन अपने लड़के को इलाज के लिए भेज दिया इंडिया क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है। क्या यही इलाज उनके साथ रहकर नहीं हो सकता था? और भेजा भी तो किसके पास? एक बूढ़ी दादी मां के पास जो चाहते हुए भी उसकी देखभाल नहीं कर सकती। टेक द केस ऑफ जय, अगेन द सेम थिंग। पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि इनमें से हर बच्चा बंद जबान से चीख चीख कर कह रहा है, डैड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू डैड। कौन जिम्मेदार है सबके लिए? हम, ये बच्चे, ये समाज, ये सारा सिस्टम जो बच्चों से ढेर सारी डिमांड्स तो करता है लेकिन उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए सही वातावरण पैदा नहीं कर सकता। तो फिर हम, हमारी सोसाइटी और कौन? हम सब जिम्मेदार हैं इस सब के लिए। अगर इस आने वाली पीढ़ी को हमें गुमराह होने से बचाना है तो हमें इन्हें वक्त देना होगा। वी हैव टू एड्रेस दीज चिल्ड्रन मोर ह्यूमनली।